दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय थिंद आई हॉस्पिटल पठानकोट। थिंद अस्पताल पठानकोट द्वारा मंगलवार को मेगा आई चेकअप कैंप का लॉयंस क्लब ग्रेटर पठानकोट के सहयोग से आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर जे एस थिंद, पी एस थिंद, राजीव महाजन, विक्रम महाजन बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान कैंप में 200 मरीजों की जांच की गई तथा 30 रोगियों की कैटरेक्ट सर्जरी निशुल्क की गई। सभी मरीजों को निशुल्क दवाइयां, चश्मे तथा संबंधित वस्तुएं दी गई। डॉक्टर परमिंदर सिंह थिंद ने बताया कि अस्पताल का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना है और अगर कोई गरीब व्यक्ति उनके अस्पताल में आता है तो वे उसकी भी हर संभव सहायता करते हैं तथा अस्पताल द्वारा अत्याधुनिक नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि मानवता की सेवा के लिए भविष्य में भी वे इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, जलंधर, हुशियारपुर और अब पठानकोट में भी थिंद अस्पताल द्वारा अपनी सेवाएं दी जा रही हैं और आज ये मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है सर और आम जनता को इसका क्या फायदा होने वाला है सर, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने पहले सुना, हमारा मोटिव है कि मनुष्यता की सेवा करना, मानवता की सेवा करना। थिंद आई हॉस्पिटल जलंधर शुरू से, जब से फोन में आया है 91 से, समाज की सेवा आई कैंप से और समाज से भी कामों से कर रहा है। हमने बहुत से कैंप लगाए हैं, बहुत गरीब लोगों का, लोडबंद गरीब लोगों का ऑपरेशन किया है, उनको दवाइयां दी हैं। जिसका भी कभी कैंप ना भी हो, हॉस्पिटल में कोई गरीब आ जाए तो उसका हम लोग फ्री इलाज करते हैं अगर उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो जो अपना मिशन है वो लेके हम आगे बढ़ते गए और हमारा काफिला बढ़ता गया। हम लोग छोटे से हॉस्पिटल से बहुत बड़े हॉस्पिटल में, और जहां से मरीज सिर्फ आसपास के जिलों ने, पंजाब से नहीं तो पूरे इंडिया से आने लगे, फिर विदेशों से आने लगे, दुनिया के हर कोने से हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आए हैं, हर कोने से। ये नहीं कि सिर्फ सर अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड से पेशेंट आए, नॉर्वे, स्वीडन, पेरिस, फ्रांस, मतलब हर कोने से, इवन क्यूबा तक के पेशेंट आए हैं। तो हमने सिर्फ इलाज की गुणवत्ता को बहुत ऊंचे स्तर पर रखा, उसी को देखकर लोगों का अपने आप हॉस्पिटल तक आने लगे। तो हमेशा कोशिश की मरीजों को सबसे नवीनतम जो तकनीक है वो उपलब्ध कराएं, ऑपरेशन हो जिसी तरीके से हो, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी का बहुत ख्याल रखा है कि कहीं भी मरीज को ऐसा नहीं महसूस होगा कि वो किसी गलत जगह आ गया है, जहां उससे डॉक्टर साहब ने पैसे ज्यादा ले लिए। जो भी किसी से पैसा लिया जाता है उसकी बकायदा उसकी रसीद दी जाती है और हर पेशेंट को थ्रू व्यूअर गैलरी दिखाया जाता है, लाइव सर्जरी दिखाई जाती है। तो इसी उद्देश्य से लोग बहुत प्रभावित हुए और हमारे पास दुनिया के अलग अलग कोनों से चले आने लगे। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल दिनचर्या में हमारे बहुत बढ़ रहा है, जैसे स्मार्टफोन हो गए, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, हम लोग इनका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल, बच्चे भी यूज ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका आंखों के ऊपर ऑब्वियसली बात है कि खराब इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसके बचाव के लिए कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? बिल्कुल, किसी भी चीज की एक्सेस जो बुरी होती है, इसी तरह डिजिटलाइजेशन से हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, बहुत ज्यादा हमें ग्लैमरस लगता है बच्चे मोबाइल। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पठानकोट से अशोक कुमार की रिपोर्ट।